केंद्र में 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते हैं और उनके साथ करीब 70 मंत्रियों ने भी शपथ ग्रहण की। केंद्र में एनडीए की सरकार को बने हुए 4 दिन नहीं हुए हैं कि इस बीच गठबंधन में खटपट शुरू हो गई है। हम बात कर रहे हैं झारखंड की। झारखंड से 2 कुर्मी नेता जीतकर संसद पहुंचे, एक बीजेपी से और एक आजसू से, लेकिन दोनों में किसी को भी मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। इससे कुर्मी समाज एक अलग ही पायदान में चला गया है और वहीं दूसरी ओर झामुमो चुटकियां लेने में कमी नहीं कर रहा है। इसका असर आगामी विधानसभा चुनाव में एनडीए पर पड़ेगा, यह एक बड़ा सवाल है। मोदी कैबिनेट में कुर्मी कोटे से झारखंड के किसी भी सांसद को जगह नहीं मिली है, जबकि आदिवासी के बाद सबसे ज्यादा सीटों पर कुर्मी वोटरों का प्रभाव रहता है। जमशेदपुर से हैट्रिक लगाने वाले भाजपा के विद्युत वरण महतो और एनडीए के सहयोगी आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी की दोबारा गिरिडीह से चुनाव जीतने पर भी दोनों कुर्मी सांसदों में से किसी को मंत्री पद नहीं मिला। वहीं बिहार में एकमात्र सीट जीतने वाली हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी के जीतन राम मांझी, कई दलों के सिंगल सांसद को मोदी सरकार में जगह मिल गई। इसकी वजह से झारखंड के कुर्मी संगठन अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। अब सवाल है कि इसे आजसू किस रूप में देख रहा है। अगर देखें तो पीएम मोदी के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने पर आजसू के एकमात्र सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी की नाराजगी की बात भी मीडिया में सामने आई थी। हालांकि अभी तक खुलकर वह कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन मीडिया के माध्यम से उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर कर दी है। उन्होंने आजसू को केंद्रीय कैबिनेट में जगह नहीं मिलने को दुर्भाग्यपूर्ण कहा है। उन्होंने कहा कि एनडीए के घटक दलों की बैठक में सभी को उचित प्रतिनिधित्व देने की बात की गई थी, मगर मोदी मंत्रिमंडल में आजसू पार्टी को नजरअंदाज किया गया है। इसे लेकर कुर्मी के कई दिग्गज नेता, जिसमें कुर्मी विकास मोर्चा के अध्यक्ष ने एक रिपोर्ट में बताया है कि विद्युत वरण महतो हैट्रिक लगाए हैं, आजसू के चंद्रप्रकाश चौधरी दोबारा सांसद बने, इसमें से किसी एक को तो जरूर मंत्री पद मिलना चाहिए था, लेकिन किसी कुर्मी को मंत्री पद नहीं मिला। हम लोग कुर्मी को एसटी का दर्जा देने की मांग करते रहे हैं, हम लोग भाजपा को समर्थन देते हैं और मोदी कैबिनेट में हमारी ही जगह नहीं है। अगर आगे चलकर मोदी कैबिनेट में कुर्मी प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि रांची सीट पर करीबन 65% वोट भाजपा की ओर गया था, जमशेदपुर में करीबन 80% कुर्मी वोट बीजेपी को मिला है, हजारीबाग में 45% और धनबाद में 60% से ज्यादा वोट बीजेपी को मिला है। यह मान सकते हैं कि गिरिडीह में मात्र 15% कुर्मी वोट आजसू को मिला है। ऐसे में मान सकते हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में भाजपा को कुर्मी तगड़ा झटका देने वाली है। अगर हम देखें तो किन किन सीटों पर कुर्मी वोटों का प्रभाव रहता है तो लोकसभा सीट के लिहाज से जमशेदपुर, रांची, हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद सीट पर कुर्मी वोटरों का सीधा असर होता है। इसके अलावा खूंटी, चाईबासा और गोड्डा में भी कुर्मी वोटरों का प्रभाव रहता है। कुर्मी संगठनों का मानना है कि करीबन 32 से 35 विधानसभा सीटों पर इस समाज का प्रभाव रहता है। ईचागढ़, सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी जैसे विधानसभा सीटों पर 75% से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। इसके अलावा बाघमारा, टुंडी, घाटशिला, भरागोड़ा, जुगसलाई, चंदन क्यारी, बड़का गांव, बेरमो, बगोदर, सिंदरी, गोड्डा, बुढ़ियाहाट, महागामा, तमाड़, खरसावा, चकरधरपुर सीट पर हार और जीत तय करने में कुर्मी वोटर की अहम भूमिका होती है, जबकि मनोहरपुर, सरायकेला, कांके, खिजरी, चतरा और सिमरिया में भी 30% से ज्यादा कुर्मी वोटर हैं। कुर्मी संगठनों के मुताबिक सीभूम में भाजपा प्रत्याशी की हार का कारण कुर्मी वोटर का बंटवारा बना। यहां झामुमो और जेबी केसेस में सीधा वोट बट गया। इस प्रकार देखें तो कहीं ना कहीं झामुमो और जेबी केसेस मिलकर कुर्मी वोटर को अपने साथ कर लेंगे, जिससे भाजपा का हार लगभग तय हो जाएगा। और लोकसभा के भांति जिस प्रकार 400 पार का नारा दिया गया था, जो महज एक नारा ही बनकर रह गया, उसी प्रकार विधानसभा चुनाव में भी झारखंड में 81 विधानसभा सीट जीतने का जो लक्ष्य है वह सपना ही बनकर रह जाएगा। और इसका सीधा फायदा जयराम महतो को मिलेगा, क्योंकि वह भी एक कुर्मी जाति के बड़े नेता के रूप में जाने जाने लगे हैं। वहीं झामुमो भी इस मुद्दे को हवा दे रहा है। पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी कह चुके हैं कि सरना धर्म कोड, ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना को लागू करने के लिए मोदी कैबिनेट में जो हिस्सेदारी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिली। यहाँ के माटी के पुत्रों को जगह नहीं मिली, आजसू को भी ठेंगा दिखा दिया। झामुमो ने सवाल उठाया कि रांची के सांसद संजय सेठ को राज्य मंत्री बना दिया गया, जबकि उन्होंने HEC के मजदूरों के हक की आवाज कभी नहीं उठाई। विधानसभा के चुनाव में सीट मांगने वाले पार्टी के नेता कैसे कह पाएंगे हमारा कमिटमेंट झारखंड के साथ है, भाजपा सिर्फ अपनी वोट के लिए झारखंड के लोगों के साथ खेलती है। लेकिन आजसू के इस रूप से साफ है कि उसको प्रदेश की राजनीति में ज्यादा इंटरेस्ट है।
जयराम महतो का उभरना आजसू के लिए चुनौती बन सकता है। इसलिए कुर्मी संगठनों की नाराजगी और झामुमो की चुटकी के बावजूद आजसू के नेता इस बात पर जोर दे रहे हैं कि 2024 के विधानसभा चुनाव पर भाजपा के साथ मिलकर फोकस करना होगा, क्योंकि दोनों दल 2019 में अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़कर इसका खमियाजा भुगत चुके हैं। लेकिन आगे देखना होगा कि यह गठबंधन कहां तक टिक पाता है, आजसू कुर्मी वोटरों को कितने हद तक साथ पाता है, या फिर आजसू के पैट से कोई दूसरा कुर्मी वोट बैंक उड़ा ले जाता है, यह तो आने वाले विधानसभा चुनाव में ही पता चलेगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगले इसी प्रकार के कुछ और वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सबको झारखंडी जोहार।